हूँ FG कॉलेज में इतनी तरक्की हो गई कि आप देखिए यहाँ पे शीशा लगा दिया है जी। तो अभी हम आ गए हैं होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। सामने जो है वो कैफे है, वो बंद है फिलहाल, ठीक है। इस एरिया को स्पेशल चांद नगर बोलते थे, ये वॉशरूम के बाहर है। अगर मेरी फ्रेंड्स देखिए तो ये देखो यार, हम लोग तो यहाँ पे जलील ही होते रहे शीशे के पीछे हैं, और इनको देखो कैसे शीशे लगा के दिए हुए। वाह यार क्या बात है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज जो है मैं 6 साल बाद आई हूँ और मेरा स्कल्पचर वैसे का वैसा यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज मैंने सुबह सुबह वीलॉग शुरू किया है कि हम जा रहे हैं मेरे कॉलेज, 2 काम भी थे तो आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज और साथ साथ आपको दिखाऊंगी। और ये कॉलेज जो है बहुत सारे लोग जो यहाँ से पढ़े हैं वाक एंड से, जिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि जो है मैंने इतनी मुश्किल से बेबी को सुबह सुबह सलाया क्योंकि उसको फीडर दिया है और उसके पास जो है ना मैंने दोनों तरफ तकिए रख दिए ताकि उसे बिल्कुल फील ना हो कि मैं नहीं हूँ। तो अभी हम जल्दी से निकलते इससे पहले कि वो उठ जाए। ये देख सकते हो आप, मेरी बहन जो है ना सुबह सुबह तैयार हो रही है और ये शूज़ भी पॉलिश होती है करती है। वाह, मैं तो नहीं करती थी कभी भी शूज़ पॉलिश, तुम शूज़ भी पॉलिश करती हो क्या ज़रूरत है, छोड़ो। आह पाकिस्तानी चेक, चलो अब निकलें, इधर ही रहना है। इसको कोई फिक्र नहीं है कि देर हो रही है, जैसा कि मुझे नहीं होती थी। अभी जो है हम जा रहे हैं प्राइवेट, तो अभी कोई गाड़ी ढूंढते हैं। वैसे मैं प्राइवेट नहीं जाती थी क्योंकि मैंने कैरी लगवाई हुई थी जी। तो अभी हम जो है ना गाड़ी ढूंढेंगे, जा रहे हैं इधर से कोई गाड़ी ढूंढते हैं, उसमें बैठते हैं, उठते हैं मज़े की धूप है सुबह सुबह। वैसे सुबह उठने के फ़ायदे भी बहुत हैं लेकिन हम लोग तो कभी उठे नहीं तो हमें पता ही नहीं जी। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कोई गाड़ी ढूंढते हैं, और ना आज सुबह सुबह उठे इतना अच्छा लग रहा है, इतने मज़े का मौसम है। ये जो बस, ये जो गाड़ी है इसमें हम बैठने लगे हैं। तो गाइस अभी हम सुबह सुबह जो है गाड़ी में बैठ गए हैं, वेलफेयर की जो है ये मस्ते कह रहे हैं, और इसमें मैं बैठी हूँ तकरीबन जो है ना 6 साल बाद, इस वजह से 6 साल बाद बैठी हूँ अंकल के साथ। गाइस चेक करें, सुबह सुबह सीन चेक करें कॉलेज के बाहर का, कितना खूबसूरत सीन है। अभी तो है हम कॉलेज के बाहर हैं, पता नहीं अंदर जाने देते हैं नहीं जाने देते, क्योंकि ना जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ कोई आउटसाइडर आता था तो उसको अलाउ नहीं था। तो अब पता नहीं, मैं भी तो अब आउटसाइडर ही हूँ ना, तो अब मुझे जाने देते हैं या नहीं जानते। और ग्रीनरी में कितना अच्छा सुबह सुबह व्यू आ रहा है, बहुत खूबसूरत। मैं ना आपको सबसे पहले जो है दिखाऊँगी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, जो कि जहाँ पर मैंने ना 4 साल लगाए, नहीं 2 साल लगाए। ये आप देख सकते हैं हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और इधर जो है स्कल्पचर का काम होता था, ये देखें इधर स्कल्पचर का काम होता था, यहाँ पे जो है पेंटिंग स्टेट है, देखें ये ऑयल पेंट्स हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है ना डेकोर किया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह ये साइड पर जो है ईजल्स पड़े हुए हैं, देन ये पेंटिंग्स कुछ जो है मास्टर पीस लगे हुए यहाँ पे, यहाँ पे मेरा स्कल्पचर पड़ा। वाओ, ये आप देख सकते हैं ये मेरा स्कल्पचर, ये मैंने बनाया था 6 साल पहले। ये आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना, ये मैंने बनाया था 6 साल पहले, मैंने बड़ी मेहनत की थी इस पर। ये चेक करें आप, ये मेरा स्कल्पचर भी यहाँ पे जो है पड़ा, मैं इसको आपको करीब से दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया था एक बंदे का अपने टाइम में। ये वाली पेंटिंग बहुत नाइस है, ये वाली और ये वाली, ये 2 पेंटिंग्स जो है ना कैलीग्राफी जो इस पर हुई भी है। इसके अलावा उस साइड पे जो है वो हमारा था अंदर स्कल्पचर रूम था, खुला ना जी। तो गाइस मैं आपको अपना अंदर से ना स्कल्पचर रूम दिखाती हूँ, आई खुले मेरा, इधर बैठ के हम इतना काम करते थे। देख सकते हैं आपको मैं मिट्टी वाला रूम दिखाती हूँ, इधर हम स्कल्पचर बनाते थे। ये देखें अभी इन बच्चियों के जो है मोल्ड जो इन्होंने करके रखा हुआ है, काफ़ी काम पड़ा हुआ। इस रूम को आपने इसी तरह देखना है क्योंकि जो है ना ये यहाँ पे मिट्टी का काम होता है, तो सारा जो है इसी तरह से ही रहता है। जिससे बनाते हैं इसे बोलते हैं टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी से जो है ये सारे स्कल्पचर यहाँ पे बनते हैं। हम लोग यहाँ पे होते थे तो ये यहाँ पे बैठ के हम अक्सर पेंटिंग वगैरह करते थे, लाइव पेंटिंग जो है ना हम यहाँ पे बैठ के करते थे। जो लोग फाइन आर्ट्स को समझते हैं उनको ये गंद नहीं लगेगा, उन्हें पता होगा ये क्या मैं कह रही हूँ और ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही कीमती काम है और बच्चियों का बहुत मेहनत का जो है ना मेहनत से उन लोगों ने ये काम किया है।
हम लोगों ने भी ऐसा किया था। और ये आपको बता दूँ, ये जो आप समझ नहीं, तो इन्होंने ईंटें रखी हुई हैं इसके बीच में प्लास्टिक को पैरस, इससे क्या बनेगा, इससे वही बनेगा जो मैंने भी आपको बाहर दिखाया है, वो जो स्कल्पचर बनता है ना जिस तरह से, वो जो सामने पड़े हुए ये तीन आप देख सकते हैं, इससे ये बनता है ये वाला, ये मेरा स्कल्पचर है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज जो है मैं 6 साल बाद आई हूँ और मेरा स्कल्पचर वैसे का वैसा यहाँ पड़ा हुआ है। और मेरा बहुत दिल कर रहा है लेके जाने का, लेकिन वो मुझे नहीं लगता लेके जाने देंगे क्योंकि उन्होंने ये डिस्प्ले किया है। तो अभी चले हम आपको पार्ट से थोड़ा बहुत दिखाते हैं अगर अलाउ हुआ तो, बाकी जो काम करने आए हैं वो करते हैं, हम डिग्री लेते हैं जी। तो अब मैं मौजूद हूँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बाहर, ये देख सकते हैं ये बूढ़ा बूढ़ा ने रेड कलर का जो है टीका लगाया हुआ है, इसके साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। और यहाँ से जो है मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट की क्लासेस थी, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में आपको दिखाती हूँ जो मेन था, बाकी मैं आपको जो है कॉलेज थोड़ा थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये आप कॉलेज का सीन देख सकते हैं, कैफ़े जो है ना वो सामने जो है वो कैफ़े है, वो बंद है फिलहाल, ठीक है। हम भी पूरा दिन यहाँ पे जो है ना बैठे रहते थे, कोई भी फ्री पीरियड होता था हम लोग इधर बैठे रहते थे, धूप में इतना मज़ा आता था ना। और इस तरह से जो है इधर हम बहुत बैठे हैं, ये मुझे अपनी फ्रेंड्स यहाँ पे आज इतनी याद आ रही हैं, फ्रेंड्स थी और हम लोग ना इधर बैठे रहते थे। जैसे मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा जो है ना हम लोग उतरते थे, सारे उधर से उतरते थे सीढ़ियों से, और मैं यहाँ से छलांगे मार के उतरती थी। जो उस टाइम की बात होती थी ना वो अब नहीं है, कि अगर अब हम आ भी जाएँ ना और कितना मज़ा आता था उस जब मिल मिला के खा पी रहे होते हैं, और आज अब जो है उसका अलग ही मज़ा होता था वो जो मिल मिला के खाते थे। और अब जो मज़ा नहीं आता जिस तरह से हम जो मर्जी खा लें वो उस तरह मज़ा नहीं आता जैसे हम यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ खाते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सो गाइज अभी जो है मैं आ गई हूँ अपने ग्राउंड में कॉलेज के जी। तो आज मैं कॉलेज में अपनी जिन फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ उनके मैंने यहाँ पे नाम मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं उनके साथ बैठती थी। और जो अपने आपके टाइम के जो होते हैं ना पार्टनर्स होते हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, तो उसमें मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, हंसा, महविश, कोमल, हिर्रा, निमत और कौन थी, मुनज़ा और सना और मिसबा, ये मेरी फ्रेंड्स थी जो मैं यहाँ पे उनके साथ बैठती थी। और वो अब जो पता नहीं कहाँ कहाँ बचा रही है अपने अपने घरों की, उनके बच्चे हो गए। मैं अब आपको जगह दिखाती हूँ, ये जो यहाँ से ऊपर वो सीढ़ियाँ जा रही हैं ना उधर, मुझे जाने का इतना शौक था, यहाँ पे हम बैठ के लंच करते थे ठीक है इन सीढ़ियों पे। और ऊपर जाने का इतना शौक था पता नहीं उधर उस जमाने में ऊपर ऐसा क्या था जो हमें जाने नहीं देते थे, इतना बेइज्जत करके निकालते थे। और वो देखो कितने मज़े से जा रही हैं वो बच्चियाँ, आराम से घूम फिर रही हैं ऊपर, बस सारी ज़ोर ज़बरदस्तियाँ हम लोगों पर ही चलती थी इनकी, इधर अब आजकल के बच्चों पर नहीं चलती इनकी। फाइनली गाइस देखिए मैं उधर पहुँच गई जहाँ पर मैं कॉलेज की लाइफ में जाना चाहती थी, इधर मैं जाने देते थे, देखिए कितना खतरनाक हुआ यहाँ से नीचे और फिर उस। वाओ चेक द सीन, ये देखें मैंने कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। अभी काफ़ी देर जो है हम अपनी फाइन आर्ट्स के टीचर के साथ बैठे हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत पुरानी बातें की। और एक और चीज़ दिखाती है बहुत ही मज़े की, अगर मेरी एक फ्रेंड है शिजा जो कि इस टाइम यूके में आई थिंक, वो और मैं, अगर वो देख रही है मेरी वीडियो तो स्पेशल उसके लिए जगह मैंने ये कवर किया है, वो और मैं यहाँ पे सुबह रोज़ आके बातें करते थे, जिसे बोलते हैं चांद नगर, पता नहीं क्यों बोलते हैं चांद नगर इस एरिया को स्पेशल चांद नगर बोलते थे। ये वॉशरूम के बाहर है और आप देख सकते हैं इस तरह के पता नहीं चांद बने हुए, शायद इसीलिए कहते होंगे चांद नगर। तो हम तो इधर रोज़ सुबह आके बैठ जाते थे और इधर हमारे सामने क्लासेस होती थी और इधर हम बहुत सारी बातें करते थे। मैं अपनी दोस्त को बहुत मिस कर रही हूँ शिजा को इधर। वाह जिनाब मैं आपको दिखाती हूँ FG कॉलेज में इतनी तरक्की हो गई कि आप देखें यहाँ पे शीशा लगा दिया है, हम लोगों के ज़माने में इनको शीशा लगाते हुए मौत पड़ती थी। ये चेक करें ज़रा वॉशरूम के बाहर कैसे शीशा लगाया है, और हम लोगों के तो ना बैग्स के अंदर से निकालते थे शीशे के, कोई कौन लाया है शीशा निकाल दो। और ये चेक करें ज़रा इन बच्चों के तो मज़े हैं। ओ माय गॉड ये मैं क्या देख रही हूँ, मैं आपके फोर शीशे का, ये चेक करें ज़रा, अगर मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं तो ये देखो यार हम लोग तो यहाँ पर जलील ही होते रहे शीशे के पीछे हैं, और इनको देखो कैसे शीशे लगा के दिए हैं। वाह यार क्या बात है, सबसे सारी बातें एक साइड पे, दुख मुझे इस चीज़ का कि यार इन लोगों ने वॉशरूम में शीशे लगा दिए, हम लोगों की दफ़ा इन्हें पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई थी। ये जो शीशा देखा है ना हम इसमें शीशा देखते थे सारी ज़िंदगी, हमने 4 साल यहाँ पे जो गुजारे इसमें शीशा देख के गुजारे, और मैं और मेरी फ्रेंड्स चलें अब चलते हैं। और एक और मेरी टीचर है मैंने उनसे मिलना है तो मैं उनको ढूँढ लेती हूँ टाइम कम है। ये चेक करें जनाब ये इन बच्चियों का काम देखिए काम कर रही है, और ये लाइव पेंटिंग, वो सामने इन्होंने लाइव जो है ना चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो है वाटर पेंट्स है, ये जो मेरी सिस्टर जो है उसकी है लाइव पेंटिंग जो हो रही है यहाँ पे स्टिल लाइफ, इसे बोलते हैं स्टिल लाइफ। ये चेक करें ये सब बच्चियाँ जो है काम कर रही है, ये स्टिल लाइफ जो है इनका हो रहा है यहाँ पर, क्या बात है जी। तो अभी हम आ गए हैं होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, आपको देख के लग रहा होगा
और ये चेक करें ना, खूबसूरत काम हुआ मेरे का। अभी मैं आपको सारा इसका विजिट कर, ये हमारे ज़माने का लगा हुआ शीशा, हम इधर आके देखते थे, शीशे का बहुत शौक था। और ये चेक करें कितना खूबसूरत इन्होंने काम किया हुआ है फ्लावर अरेंजमेंट का। एक ज़माना था मैंने फ्लावर अरेंजमेंट में फर्स्ट प्राइज़ लिया था ऑल पाकिस्तान कंपटीशन। ये और ये अच्छा लगा, होते रहते हैं एग्जीबिशंस होते हैं तो उसमें बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, देन उनका प्राइज़ आता है कोई। ये चेक करें ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हमारी क्लास होती है, जो जगह एरिया इधर हमारी इस वाले एरिया में हम लोगों की क्लास होती थी, और इधर जो हम जो सीखते थे और जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो सब इन टेबल्स पे। जी तो होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का मैंने आप लोगों को जो है करा दी सैर। ये देखें होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कितने मज़े मज़े के ना टांके लगे हुए हैं। ये इन टांकों के बड़े मुश्किल नाम हैं, जो कि मैंने जाते हैं लेकिन जो है ना मुझे नाम नहीं याद। और इस साइड पर जो है लाइब्रेरी है, ये देख सकते हैं हम इधर बैठे रहते थे पहले, इधर कारपेट होता था। ओके हाँ जी, तो आज की जो स्टिल लाइफ है उसमें इन्होंने ये रखा हुआ है, ये चेक करें ये स्टिल लाइफ है। और ये सारी बच्चियाँ इधर बैठ के जो हैं काम कर रही हैं। इस बच्ची ने देखिए कंप्लीट कर लिया, कितना अच्छा बनाया, वाओ जी क्या बात है। इनके आजकल जो है ना वाटर पेंट्स का चल रही है। कितने दिन तक आप लोग का रहता है ये स्टिल लाइफ, कितने दिन रखती हैं? तीन दिन एक। और जनाब मैं आपको बताऊँ मेरी सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी, ये देखें जो एप्रन होता है ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे फाइन आर्ट्स में। और ये ब्रशेस ये तो लव हैं, मेरा ऐसा नहीं था, थोड़ा चेंज था। आज हम चेक करते हैं रेमी व्लॉगर के बैग में क्या है, दिखाऊं क्या है जी। क्यूट इसके अलावा लिपस्टिक भी है, लिपस्टिक भी है। वाओ और एक और भी है ये देखिए, चुड़ियां भी। ये देखें अपनी फ्रेंड से। गाइस मैं आपको बताऊं, जब हम फाइन आर्ट्स में थे तो हम यहाँ पे आते थे लैंडस्केप करने, हम लोग इधर आते थे, हमें इस पार्क में लेके आए थे लैंडस्केप करने जब हम लोग कॉलेज में थे और फाइन आर्ट्स का काम करते थे। तो चेक द सीन, पिंक फ्लावर्स। गाइस ये देखें यहाँ पे बैठ गया और इसकी फोटोग्राफी शुरू हो गया। वो देखें ऊपर सड़क पर बैठी हुई गाड़ियाँ गुजर रही हैं और हम इसके साथ जो है ना ख्वार हो रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, इधर ही जो मर्जी करे आओ बेटा हम चले। अगर बोर हो गई हैं इसलिए वो झूले ले रही हैं और उनको तेज झूला लेना है, थोड़ा तेज करें रामी व्लॉगर्स। या इस झूले को कहते हैं स्विंग और ये बहुत तेज ले रही है, ध्यान से नीचे ना गिर जाइएगा प्लीज। हाँ यहाँ पे घूमना है इस पार्क में और यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिला हमें, वापसी का रास्ता बंद था इसलिए वो टाप के निकली है। ये जो है हमारे कॉलेज के बाहर जो है ना, और ये हमारा कॉलेज, बच्चों को छुट्टी हो गई है।